Yeah, clap, clap. Thank you, sir. Welcome. Good morning, everyone. जैसे कि सर ने बताया कि आज की टॉपिक है गोल सेटिंग, तो गोल सेटिंग की आपने अलग अलग ट्रेनिंग ली है, बहुत सारे ट्रेनिंग लिए. मुझे पता है कि गोल सेटिंग के अच्छा अच्छा ट्रेनिंग होते रहता है हमारे टीम विक्टर की इस चैनल में. तो इस गोल सेटिंग के ऊपर आज थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, मतलब थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे और थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे. ठीक है, तो इस गोल सेटिंग मैं हर एक स्लाइड वाइज जाऊंगा और स्लाइड वाइज जैसे जाऊंगा तो आप लोगों को मतलब ढंग से क्लियर होने लगेगा धीरे धीरे. गोल सेटिंग एक अलग तरीके से आपको नजर में आ जाएगा. गोल सेटिंग में क्या है, क्यों चैलेंजेस आता है, कैसे होता है, क्या कैसे करना है, और सारा चीज आ जाएगा. ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आराम से आप सुनिएगा, जहां पे समझ में नहीं आएगा नोट कीजिएगा, लास्ट में हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे, जिसको कहीं पे भी कोई परेशानी होगा. ठीक है, ओके सर, विथ योर परमिशन स्लाइड शो स्टार्ट करता हूं. यस यस, ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम. स्क्रीन क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है. ओके सर, जैसे कि सर ने बता चुके हैं आज की है हाउ टू सेट गोल्स इन वेस्टेज बिजनेस, टॉपिक ये था. तो गोल सेटिंग जो है थोड़ा सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इस सिस्टम में, सब इस सिस्टम में नहीं बोलूंगा, गोल सेटिंग एक ऐसा चीज है आपके लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी, तो आपको गोल सेटिंग की कुछ प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है. अगर नहीं गुजरेंगे तो फिर आप वो गोल नहीं अचीव कर पाएंगे. जैसे सर की वो पिक्चर के पीछे, मतलब सर के पीछे जो बैकग्राउंड में एक पिक्चर लगा हुआ था स्पाइस जेट का, तो अगर उस पायलट जो उस जेट को उड़ा रहा था, अगर उनको पता नहीं है कि इस जेट को कौन से डेस्टिनेशन पे लेके जाना है, तो उस उड़ान की कोई लिमिट नहीं रहेगा और खत्म हो जाएगा वो उड़ान. तो कोई भी अगर जहाज हो, कोई भी इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसको डेस्टिनेशन नहीं पता है, जो गोल अगर नहीं पता है, तो कभी नहीं पहुंच सकता है. तो मैक्सिमम जो चैलेंजेस आता है ना, कि गोल हम लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है. तो गोल कैसे सेट करना है, अगर तरीका पता है तो गोल पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजेस है गोल कैसे सेट करना है, वो हम लोगों को अच्छी तरह से नहीं पता है. तो उसी के बारे में आज की पूरा डिस्कशन रहेगा. तो सबसे पहले दोबारा गुड मॉर्निंग, विश यू गुड मोर अर्निंग, सबको गुड मोर अर्निंग, क्योंकि हम वेस्टेज में है, वी आर हेयर टू अर्न एंड लर्न. सो गुड मोर अर्निंग से हमारा वेस्टेज की विश आता है, गुड मॉर्निंग की यही मतलब है मेरे लिए. एंड एक छोटा सा क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ, कितने लोग के पास ड्रीम्स है, कितने लोग ड्रीम्स है, कुछ पाने की ड्रीम्स है, कितने लोगों के पास, अगर है तो चैटबॉक्स में डालिए, कितने लोगों के पास ड्रीम्स है, ड्रीम, कितने लोग, हैंड रेज नहीं, मी टाइप कीजिए, जिसके पास सपना है कुछ करने का, कुछ बड़ा कुछ करने का सपना है, थोड़ा सा चैट बॉक्स में मी डाल दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों के पास कोई सपना है. यस, वेरी नाइस, लोगों ने चैट बॉक्स में डालना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब है कि वी आर इन द सेम फ्लो, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं. ठीक है, तो इस ड्रीम की एक झलक हम लोग देखे, कैसे ड्रीम लाइफ कैसे होता है, एक झलक देख लेते हैं. ठीक है ना, अच्छा रहेगा.
ये जो ड्रीम लाइफ की जो झलक हमने अभी देखा, कितने लोगों को मतलब लगा कि यस इसका मतलब कुछ इफेक्ट, कितने लोगों को कुछ मतलब एहसास हो रहा है, कितने लोगों का एहसास हो रहा है इस ड्रीम लाइफ देखने के बाद कुछ अंदर कुछ हुआ है? थोड़ा सा मी टाइप कीजिएगा, जिसको लगा है कि इस वीडियो को देखने के बाद अंदर कुछ महसूस हुआ कि यस ड्रीम लाइफ एक झलक, तो मी टाइप कीजिएगा, तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग मतलब ड्रीम तो कुछ है आपके अंदर, ड्रीम। यस वेरी नाइस फॉर योर पार्टिसिपेशन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, ये वीडियो जब भी मैं भी देखता हूँ ना, तो मेरे अंदर की जो खून है ना, वो जैसे लगता है कि हिलने लग जाता है पूरा, एकदम रोंगटे खड़ा हो जाता है, बोलते हैं ना, उस तरह का फीलिंग्स आता है। बहुत ही जबरदस्त एक लक्जरी लाइफ कैसे होता है उसका पूरा एक झलक है इसमें, ठीक है। तो ये था ड्रीम लाइफ, राइट? ये ड्रीम लाइफ, इस ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ गोल्स भी होना चाहिए, राइट? कुछ गोल्स, छोटे छोटे गोल्स के अगर थ्रू जाएंगे तो ड्रीम लाइफ तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, कितने लोगों के पास गोल्स है अभी तक, कितने लोग गोल्स सेट कर चुके हैं? जितने लोग गोल सेट कर चुके हैं तो मी टाइप कीजिए। जितने लोगों के पास गोल्स है, गोल्स जिसके पास है, ड्रीम है जो मैंने दिखाया, अब गोल्स कुछ पाने की चाहत, कितने लोगों के पास कुछ सेट करके रखे है कि मेरे पास कुछ गोल्स है, ये पाना है, वो पाना है, इतने अकाउंट में पैसा पाना है, या इतने ये कुछ कहीं कुछ करना है, यहाँ पे घूमने जाना है, वहां पे करना, जो भी है। गुड गुड वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा, आपको पार्टिसिपेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब गोल्स जो है ना, जैसे हमने ड्रीम लाइफ की एक झलक देखा था, ऐसे हमने गोल्स का भी एक झलक देखेंगे। देखिए गोल्स आप लोग पक्का देखना चाहेंगे ना, कि कोई इंसान जो गोल्स को अचीव कर रहे हैं या कर चुके हैं, ऐसे कोई इंसान को भी आप देखना चाहते हैं, राइट? अगर देखना चाहते तो वाई टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वाई टाइप कीजिएगा जो देखना चाहते हैं कि जो इंसान गोल अचीव कर चुके हैं उनको हम देखना चाहते हैं विजुअली, वाई टाइप कीजिए। गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपके पार्टिसिपेशन से मुझे लग रहा है ना, वी आर इन द सेम फ्लो, हम लोग एक ही जगह पर, लग नहीं रहा है कि जूम में कर रहे हैं, हम लोगों को लग रहा है कि जैसे एक ऑडिटर में हम लोग कर रहे हैं। तो देखेंगे, वो भी देखेंगे हम लोग, एक झलक ड्रीम लाइफ के साथ गोल, आप बताओ, वो भी एक झलक हम जरूर देखेंगे। आप देखिए हमारे ग्रेट मेंटर प्रवीण सर के ये एक झलक, ये वीडियो। उस लाइन का
जंगल में जाके फाइट करना पड़ेगा टू बिकम द डबल गन टीम सीडी ये दोनों अगले वाला दिन में आप लोग को ऐसा ऐसा सिचुएशन में आना पड़ेगा हर आदमी यहाँ पे जो खड़ा है आप अगर आपका टीम में जो जो आदमी है ना हर आदमी को ये आपका मैसेज भी रही कि ऋषि ऐसा खास हो ऋषि का तो अंदर में आप दुनिया में जो आपको चाहिए व्हाटएवर वांट यू कैन टेक फ्रॉम वेस्टी मार्केटिंग लिमिटेड ये दोनों एंड डू द बेस्ट यू कैन गेट इट एवरीथिंग फ्रॉम द वेस्टीज इट इज नाइस टॉकिंग टू यू गॉड ब्लेस यू गो क्राउन एंड डबल क्राउन थैंक यू वेरी मच लकी एक्सीलेंट एक्सीलेंट मतलब एक्सीलेंट वीडियो जिसको बोलते हैं ना. देखिए इनकी गोल, इन्होंने कुछ गोल सेट किया था लाइफ में और उन्होंने अचीव कर लिया राइट. क्या लगता है आप लोगों को? देखिए इनके साउथ अफ्रीका की ट्रिप, इनकी 10,46,000 जो इन्होंने बताया था अपने चेक, और ये है उनकी जगुआर कार. ये तीनों चीज, ये तीनों चीज की अचीव करने से सारा चीज जो अचीव करने इनके पीछे कुछ गोल्स इन्होंने सेट किया था, जो गोल सेट करते करते इस जगह पे पहुंचे. ठीक है, तो इस गोल सेटिंग के ऊपर आज की टॉपिक है. ओके, तो कितने, अभी एक छोटा सा सवाल है, हम लोग काफी चीज अभी तक देख चुके हैं. अभी एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, कितने लोगों को लगता है कि गोल हम सेट तो करते हैं लेकिन अचीव कर नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, ऐसा कोई है? तो मी टाइप कीजिएगा. आज मैं बता रहा हूं, आज सारा प्रॉब्लम के शॉर्ट आउट हो जाएगा सारा चीज. किसी को लगता है गोल सेट कर रहे हैं लेकिन अचीव नहीं कर पा रहे, फेल हो जा रहे हैं, ऐसा भी होता है किसी के साथ? क्यों फेल होता है वो भी डिस्कस करेंगे आज. गुड, थैंक यू फॉर योर मतलब जेन्युइन पार्टिसिपेशन. होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है. प्रवीण सर जो अभी तक यहाँ पे जिनकी स्पीच सुने उनके, अगर उनसे भी पूछेंगे तो उनसे भी ऐसा होता है, कुछ गोल सेट किया होगा लेकिन वो फेल भी हो गया, लेकिन उन्होंने फिर कैसे ओवरकम किया और क्यों फेल हुआ, ये सारा चीज एक प्रोसेस में होता है. ठीक है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को एक थैंक्स और एप्रिसिएशन मेरे दिल से, क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे है. आज सैटरडे के दिन आप लोग आज के दिन कहीं पे भी बिता सकते थे, किसी भी फॉर्म में आप आज के दिन एंजॉय कर सकते थे, लेकिन यू आर सीरियस अबाउट योर लाइफ एंड योर फैमिली, और इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म में अभी तक आप जुड़े हुए हैं, इस जूम कॉल में आए हुए हैं और यहाँ पे आज हमारे साथ फेस टू फेस होके कुछ गोल सेटिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं. You are the real hero in the eyes of your family members because you are serious about your life. जो इंसान अपने life के प्रति serious रहता है उसको सभी seriously लेते हैं, right? चलते हैं आगे. तो जैसे कि आप लोग serious है ऐसा, I am also committed. आप लोगों को best value of time देंगे और last में आपसे feedback भी लेंगे. ठीक है, तो before this मैं अपने आपको introduce करूंगा. सर तो already introduce करा चुके हैं. इस सर्विस मतलब इस वेस्टिज के प्लेटफॉर्म में आने से पहले मैं इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहा था, जो 2020 दिसंबर में मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट दिया. मेरा सर्विस अभी तक 2036 तक था, लेकिन इस वेस्टिज प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए मैंने इस नौकरी को छोड़ दिया, क्योंकि मेरे मिसेज इस वेस्टिज प्लेटफॉर्म में 2017 में ज्वाइन किए थे और उसके बाद शी वाज स्ट्रगलिंग, अकेले अकेले कर रहे थे और मैं थोड़ा सा टाइम दे पा रहा था, और इसी मतलब चलते चलते हम लोगों ने डायमंड डायरेक्टर लेवल अचीव किया था लास्ट ईयर दिसंबर में, अक्टूबर में अचीव किए थे. और ये जो वॉइस मैगजीन है जहां पे हम लोगों के नाम भी आया था, ठीक है, 32 नंबर इशू में. तो नौकरी को छोड़ के इस काम को करने के पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक हो गई, क्योंकि ये गेजेटेड रैंक में रहते हुए भी इस नौकरी को छोड़ के इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, इसका मतलब कुछ तो है इसमें. ठीक है, तो कुछ मेरा भी कुछ ड्रीम्स है, मेरा भी कुछ गोल्स है, और उसको मैं सेट करके आगे आगे बढ़ रहा हूँ, और कैसे बढ़ रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में चर्चा करेंगे. ठीक है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझने में. ठीक है, अब मैं सबसे पहले ना आपको 7 स्टेज बताऊंगा जहां पे गोल सेटिंग में इम्पैक्ट होता है. 7 स्टेज बताऊंगा, इस चीज को, हर चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको नोट करने की भी कोशिश कीजिएगा. पहले स्टेजेस बताएंगे, फिर आपको तरीका भी पूरा बता देंगे बढ़िया से. व्हाट आर योर गोल्स, आपकी गोल्स क्या है, इसकी क्लियर आउटकम आपके पास होना चाहिए. मतलब आपकी गोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे एक कार चाहिए या मुझे एक घर चाहिए, ऐसा नहीं. क्लियर आउटकम, कार है तो कौन सी कलर की कार, घर है तो किस तरह का घर, घर में कितने रूम्स रहेंगे. ठीक है, सबसे पहला स्टेज अगर गोल सेटिंग में, अगर आप गोल पाना चाहते हो तो सबसे पहला काम है क्या आपकी गोल है, उसका एक क्लियर पिक्चर आपके पास होना चाहिए. इसके लिए कुछ छोटा सा टिप्स ये भी कर सकते हैं जी, जो चीज आप पाना चाहते हैं
उसका कोई पिक्चर अगर आपके पास है तो आपकी जो व्यू बोर्ड होगा या रूम में जहां पे आप मतलब जैसे मिरर में जहां पे आप हेयर ब्रश करते हैं वहां पे भी लगा के रख सकते हैं, किसी दीवार पे जहां पे बार बार आप देख सकते हो वहां पे भी चिपका सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर पिक्चर होना चाहिए, गोल्स मुझे ये पाना है, बस मुझे एक घर पाना है, लेकिन घर के बारे में पूरे डिटेल्स नहीं है तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। हाउ विल यू नो व्हेन यू हैव इट, आपको ये भी जानना है कि आपको कब तक वो पाना है, क्या पाना है, कब तक पाना है, उसके बाद पाने के बाद आपको क्या खुशी मिलेगा, हाउ डज सक्सेस लुक लाइक, उसको पाने के बाद आपको कुछ खुशी महसूस होगा लेकिन वो कैसे होगा, ठीक है, वो भी आपको फील करना है, ठीक है। हाउ यू डू मेजर योर प्रोग्रेस, और गोल के कितने नजदीक तक आप जा रहे हैं इसको भी आपको मेजर करना है, सारा स्टेप वाइज आपको क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यह है सबसे पहला, व्हाट आर योर गोल्स, आपकी जो गोल्स है वो गोल्स कैसा मतलब आप सेट करेंगे, किस तरह का होना है, वो है पहला स्टेज, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेज, व्हाट इज व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट टू यू, ये गोल पाना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इस जगह पे सबसे बड़ा काम आता है इमोशनल रीजन, ठीक है, इमोशनल रीजन यहां पे काम आता है। अगर इस वाई अगर क्लियर नहीं है, सबसे पहले आपने गोल सेट कर लिया, गोल को आपने बढ़िया से डिफाइन कर लिया, हाँ इस तरह का, लेकिन क्यों चाहिए, क्यों, अगर इस वाई नहीं है तो सारा चीज फेल्योर हो जाएगा। तो वाई वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशनल रीजन होना चाहिए कुछ, ठीक है। जैसे आपके आपको आप मान लीजिए बैंक में मुझे बैंक बैलेंस 2 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, जो भी है एक कुछ अमाउंट मान लीजिए चाहिए, क्यों चाहिए, उस पैसे से करना क्या है, पैसा चाहिए तो गोल हो गया, आपने अमाउंट भी डिफाइन कर लिया, ठीक है मुझे 50 लाख चाहिए, मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपया होना चाहिए, 50 लाख का क्या करना है, और कोई इमोशनल रीजन, मतलब 50 लाख से मुझे ये काम करना है, जो भी काम करना है उसमें कोई इमोशनल रीजन होना चाहिए, ठीक है। व्हाट मीनिंग वुड यू वुड इट गिव टू यू, वो आपके जिंदगी में क्या मतलब प्ले करेगा उस अचीवमेंट से, ठीक है जी। व्हाट डिफरेंस वुड यू हैव दिस, व्हाट डिफरेंस वुड हैविंग दिस मेक इन योर लाइफ, इसको पाने से आपके जिंदगी में क्या परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ यू डू नॉट अकॉम्प्लिश दिस, अगर आपको नहीं मिलेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। इस व्हाई जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो गोल हो गया आपका, नेक्स्ट है व्हाई। व्हाई इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपकी वाई बहुत बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, इमोशनल रीजन इसके पास जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो दो स्टेज हो गया, तीसरा जो हु इज दिस फॉर, मतलब मान लीजिए आपने कोई गोल डिसाइड किए, ये किसकी जिंदगी में इंपैक्ट करेगा। ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ एक अच्छा सा घर लेने वाले है, आपका ड्रीम है या आपका गोल है एक अच्छा सा घर पाने का, इस घर पाने से किस किस के जिंदगी में इफेक्ट आएगा, आपके फैमिली, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, किस किस के जिंदगी में इंपैक्ट क्रिएट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं गोल सेटिंग की स्टेज बता रहा हूं, अगर इस स्टेज के साथ अब कोई भी गोल को आप सेट करेंगे ना तो फेल्योर के चांसेस नील नेग्लिजिबल है, ठीक है। अभी तक मैंने इसीलिए पूछा था कितने लोगों को लगता है गोल हम सेट करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, क्यों फेल होते हैं, उसके रीजन यही होता है कि हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं इसमें से कोई ना कोई स्टेज में हम छूट चुक हो जाते हैं हमसे, ठीक है। किसकी जिंदगी में इंपैक्ट करेगा, किसकी जिंदगी में इंप्रूव करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, तो वो डॉक्टर ऐसे नहीं बनते, वो सोचते हैं डॉक्टर क्यों बनना है, वो सोचते हैं तभी वो जाकर डॉक्टर बनते हैं, नहीं तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। जब तक आपके पास क्लियर नहीं होगा रीजन और वो किसको इंपैक्ट करेगा, ठीक है, तो आपके वो क्लियर नहीं हो पाएगा। Who would suffer if you don't accomplish this? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन सफर करेगा अगर आप गोल अचीव नहीं करेंगे। देखिए आप गोल अचीव नहीं करेंगे आप तो सफर करेंगे करेंगे, वो तो हो गया, आपको छोड़ के और किसकी जिंदगी में मतलब परेशानी आएगा आपके गोल ना अचीव करने से, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं तीनों क्वेश्चन व्हाट व्हाई हु सोचिएगा इस चीज को, मैं जो बता रहा हूं इस जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं, आप दिमाग से इसको सोचिएगा, कुछ आपको नया चीज फील होने लगेगा, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन, आपने अभी इस चीज के बारे में क्यों सोचा, व्हाई नाउ, आपने गोल सोचा, मान लीजिए आपने अभी हमने अभी थोड़ा सा ड्रीम लाइफ की झलक दिया,
प्रवीर सर के एक वीडियो में उन्होंने फॉरेन ट्रिप और सारा चीज क्रोड्स ऑफ सॉरी लैक्स ऑफ चेक्स और आपका जगुआर कार इतने सारा चीज हमने देखा। देखने के बाद हमारे मन में भी आया कि चलो हमारे पास भी एक अच्छा सा फोर व्हीलर होना चाहिए। तो आपको तुरंत दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि हमने अभी क्यों इसको सोचा, हमने पहले क्यों नहीं सोचा इसको, ठीक है, समझ रहे? व्हाट मेक्स दिस टाइम डिफरेंट फ्रॉम बिफोर, पहले से अभी क्या परिवर्तन आ गया कि मैंने ये गोल सेट किया। मैं कितना डीप लेवल में समझा रहा हूं आप समझने की कोशिश कीजिएगा, किसी को अगर परेशानी है तो आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। हाउ दिस मोर रेलिवेंट देन एवर, पहले से अभी ये इतना जरूरत क्यों पड़ गया, व्हाट इज द अर्जेंसी बिहाइंड दिस गोल। अगर अर्जेंसी नहीं रहेगा ना तो गोल अचीव करना मुश्किल हो जाएगा, तो अर्जेंसी होना चाहिए। तो व्हाई नाउ, पहले हमने एक व्हाई डिस्कस किया था, गोल क्यों चाहिए, व्हाई नाउ अभी क्यों हमने इसको मतलब दिमाग में ये क्यों आया अभी, कुछ तो रीजन होगा, तो व्हाई नाउ उसको थोड़ा सा डिटेल्स में सोचिएगा, पहले क्यों नहीं आया था दिमाग में, ठीक है, इसके अर्जेंसी क्या है। तो ये हो गया चार। पांच, व्हाई डोंट यू हैव इट येट, आपने वो चीज अभी तक क्यों नहीं पाया। आप सोचिए किस लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज गेटिंग इन द वे यू आर हैविंग दिस, अभी तक आपने इसको क्यों नहीं पाया, इसमें आपको क्या परेशानी आया, क्या आपको ब्लॉकेज आया, कहां पे आपको ऑब्स्टकल्स महसूस हुआ, ठीक है, वो सारा चीज, ये जो क्वेश्चंस है ना, इस चीज को हल्के में मत लीजिएगा, इसको थोड़ा सा ब्रॉड में लिखना स्टार्ट कर देंगे ना, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लिखेंगे तो आपका हर चीज क्लियर हो जाएगा, आप क्यों नहीं पाए, ठीक है, आपको क्या परेशानी आया था, अभी कोई गोल आपने सेट किया आपने अचीव नहीं कर पाया, तो अचीव नहीं कर पाया कभी आपने उसका एनालिसिस किया क्यों नहीं अचीव कर पाए, उस चीज को एक बार लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको डिटेल्स पता चल जाएगा क्यों नहीं कर पा रहे। क्योंकि ना हम लोग क्या करते हैं ना, सबकॉन्शियसली हम लोग मैटर को जो है ओवरलुक कर जाते हैं, हमने गोल सेट करते हैं, क्योंकि गोल सेटिंग दिमाग की एक पार्ट करते हैं और एक जो अचीव करने में दूसरे पार्ट मदद करते हैं। गोल सेटिंग से और गोल अचीविंग में ये जमीन आसमान की अंतर है, ठीक है। तो अगर गोल सेट कर लिए, सिर्फ गोल सेटिंग से नहीं, वहां तक पहुंचने के लिए आपको सारा चीज के थ्रू जाना पड़ेगा, वही चीज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आप अभी तक इसको क्यों नहीं अचीव कर पाए थे, मान लीजिए आपके एक अच्छा सा गाड़ी, लेकिन अभी तक आप क्यों नहीं कर पाए थे, आपके पास रीजन होना चाहिए, क्या परेशानी था अभी तक जिसके कारण आप अभी तक नहीं कर पाए थे। व्हाट स्टैंड्स इन द वे ऑफ यू हैविंग दिस, सेम चीज, आपकी कौन सी ऑब्स्टेकल्स है, कौन कौन सी रोड ब्लॉक्स है, क्यों आपने मतलब अभी तक अगर इच्छा आया भी तो आपने पहले भी अगर इस तरह का कोई इच्छा आया तो आप वहां पे कैसे चूक गए, वो चीज को थोड़ा सा ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखेंगे तो गोल सेटिंग में इंपैक्टफुल नहीं हो पाएंगे आप, मतलब गोल सेट करेंगे गोल अचीव नहीं होगा, ये फेलियर बार बार आता रहेगा, हम उस चीज को नहीं चाहते। हमने इस टॉपिक को, मैं बोला थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम डिस्कस करेंगे, इसमें कैसे गोल सेटिंग करना है वो भी बताएंगे, लेकिन गोल सेटिंग में इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं, ठीक है। अब सेवेंथ स्टेज में जो सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नीड, ठीक है, गोल अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत है। हो सकता है आपको कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत है, हो सकता है कुछ स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, हो सकता है कुछ लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है आपके बिहेवियर में कुछ चेंज करना पड़ेगा, हो सकता है। तो आपको ये चीज की क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि क्या आप चाहते हो इस गोल अचीव करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हु डू यू नीड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे क्या आ जाता है, यहां पे किस लोगों के संगत में आप रहेंगे। एक कहावत है ना, जैसे संगत वैसे रंगत। तो आप सोचिए कि आपके गोल अचीव करने के लिए जिनके साथ आप बैठ के बात कर रहे हैं, जिनके साथ आप डेली उठ रहे बैठ रहे, क्या आपके गोल अचीव करने में उनकी मदद मिल रहा है या वो आपको आपके गोल से दूर लेके जा रहे हैं। आपकी कम्युनिटी, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड सर्कल, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप जिसके साथ उठ रहे बैठ रहे वो आपके गोल सेटिंग में मदद कर, मतलब गोल अचीव करने में मदद नहीं कर रहा है, तो चेंज दैट कम्युनिटी,
चेंज दैट पीपल। देखिए इस ग्रॉस टीम विक्ट्री में जो सारे लोग हैं ना, वो सारे लोग सेम मेंटेलिटी के हैं, तभी जाके यहाँ पे हम लोग एक साथ है। वेस्टिजियन ऐसे ही होता है, सेम मेंटेलिटी के होते हैं तभी हम लोग एक साथ है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज हमेशा फोकस करना पड़ेगा, आपको किसके साथ मिलना जुलना है, क्योंकि अगर आप आपकी मतलब मिलने वाले पर्सन को चूज नहीं करेंगे ना, तो आप यू आर द एवरेज ऑफ फाइव पीपल यू स्पेंड मोस्ट योर टाइम विद। अगर आप फेलियर लोगों के साथ अगर आपके टाइम बिताते हैं तो आप फेलियर हो जाएंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए हु डू यू नीड। एक और चीज, ठीक है, व्हाट डू यू नीड, मतलब आपके अपलाइन से आप क्या चाहते हो, ठीक है, अपलाइन से आप क्या चाहते हो वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। अपलाइन आपको कैसे मदद करेगा वो भी आपके पास क्लियर होना चाहिए। आपके जो गाइड कर रहे हैं, जो भी अपलाइन के अपलाइन, उनकी भी अपलाइन जो भी है, उनसे आप क्या चाहते हो। तो ये सारा इम्पैक्टफुल क्वेश्चंस है, इसको दिमाग में रखना नहीं है, इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, आपके गोल सेटिंग की जो है टोटल सिस्टम में एक परिवर्तन आ जाएगा। अभी तक आपने गोल सेटिंग करने गए लेकिन आपके गोल में फेलियर होता गया, आपने कुछ गोल पाने की कोशिश किया लेकिन वो हुआ नहीं, ठीक है। तो ये सात क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इससे इसलिए स्टार्ट किया, थोड़ा सा हेवी टॉपिक है, इसलिए इसको सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया। अब परफेक्ट गोल सेटिंग कैसे करना है वो सारा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे अभी। अभी एक छोटा सा चीज मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे, जो अभी तक मैंने बोला, जब अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने देखा, ठीक है, सातों स्टेज, किसी को लग रहा है कि ये कुछ पहले से परिवर्तन है, अगर किसी को लग रहा है तो मी टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स में कि सातों स्टेज मैंने जो बताया ये आपने पहले कभी आपके दिमाग में आया था, सातों के सातों सवाल, या नहीं आया था। अगर आया था तो वेरी गुड, अगर नहीं आया था तो मी टाइप कीजिए, तो लगेगा कि हाँ कि आप लोग मतलब इस चीज को सोच रहे हैं कि इसका डेप्थ कितना है। गोल सेटिंग करने से कुछ नहीं होता है, गोल सेटिंग, गोल को अचीव करना एक बहुत बड़ी बात होता है। तो अचीव करने के लिए ना कुछ आपके दिमाग में कुछ अलग सा चीज होना चाहिए, इसीलिए मैं सातों क्वेश्चन मैं पहले बता दिया, क्योंकि ये सात क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं होता है तो हम इंपैक्टफुल गोल सेटिंग नहीं कर सकते। गोल सेटिंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, गोल सेटिंग करना सबसे पहले जरूरी है गोल पाने से। गोल सेटिंग करने के लिए सातों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, जितने लोग यहाँ पे अपने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अब एक आगे बढ़ेंगे हम लोग, परफेक्ट गोल सेटिंग। सबसे पहले फॉलोअप, हमने वो फॉलोअप पहले ही कर लिया, गोल सेटिंग की जो स्टेजेस हमने बताया उसका ओवरव्यू मैंने बता दिया। अब हमने डिस्कस करेंगे पावर ऑफ यूनिवर्स, एक बहुत जबरदस्त चीज है, आगे जाएंगे उसके बारे में बताएंगे। मॉडर्न गुरुज किस तरह से मतलब गोल को अचीव करते हैं, गोल सेट करते हैं, वो सारा चीज दिखाएंगे। एक और स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, ये एक मैं शेयर करूंगा, वो आप देखेंगे उसको अपने टाइम पे। स्मार्ट गोल्स कैसे होता है, गोल कार्ड कैसे होता है। लास्ट में मैं कुछ टास्क दूंगा, वो टास्क को जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं स्लोली एंड वेरी स्मूथली हम जाएंगे, ज्यादा मतलब डीप टॉपिक है, इसको हल्के में नहीं लेंगे, इसलिए थोड़ा सा स्लो जा रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टू हार्नेस द पावर ऑफ यूनिवर्स यू मस्ट नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इवन इफ यू डोंट नो हाउ यू आर गोइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको क्या पाना है, ठीक है, वो एग्जैक्टली आपके दिमाग में उसकी फोटोकॉपी होना चाहिए, मतलब फोटो होना चाहिए उसका। कैसे पाना है उसके बारे में आपको सोचना नहीं है, वो किसको सोचना है, यूनिवर्स को सोचना है। आपको सिर्फ सोचना है मुझे क्या पाना है, ठीक है। यहाँ पे जिम कैरी की एक फोटो दिया हुआ है, जिम कैरी को सारे लोग जानते होंगे, राइट। ये हॉलीवुड के एक फेमस एक्टर है, इन्होंने अपने जिंदगी में जब इनके कैरियर बिल्डअप हो रहा था, एक टाइम आया था ऐसे, ही वॉज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड विद हिज कैरियर। तो एक दिन वो ऐसे हाईवे में अपना गाड़ी लेके जा रहे थे, तो उनको लगा कि मेरा बस हो चुका है, अब नहीं और नहीं और नहीं झेल पा रहा हूं। इन्होंने बोला आज मुझे जिंदगी परिवर्तन करना है, तो इन्होंने एक छोटा सा स्टेप लिया, अपने कार के डैशबोर्ड में एक चेकबुक था, उन्होंने चेकबुक निकाला, उसके ऊपर डेट डाला 10 साल, जिस दिन को उन्होंने बात कर रहा था उसके 10 साल के बाद की एक डेट डाला, और उसमें अपना नाम लिखा जिम कैरी, उसके बाद अमाउंट लिखा $10 million। क्या किया इन्होंने, गोल सेट किया कि 10 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद मेरे अकाउंट में $10 million होगा। कैसे होगा इनको नहीं पता था, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको यूनिवर्स पे अपना जो गोल है ना वो आपको वहां पे पहुंचाना है यूनिवर्स के पास, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, समझ रहे बात। ये आपके यूनिवर्स को पहले पहुंचाना है, कैसे
भूल जाइए, अभी थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाइए, ठीक है। आपको पाना है इस चीज में थोड़ा सा फोकस कीजिए, कैसे पाना है उसमें फोकस मत कीजिए, ठीक है। वो तो हो जाएगा, उसके भी स्टेप आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जिम कैरी जैसे किए थे ना, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, उन्होंने क्या, जैसे मैंने बताया, उन्होंने अपने चेक बुक में खुद ही नाम लिखा, और आप बिलीव नहीं करेंगे 10 साल के बाद उनके पास $20 मिलियन था और ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर ऑफ हॉलीवुड, ठीक है। इनकी काफी अच्छे अच्छे मूवी आप सुने भी होंगे, मास्क है, उसके बाद बैटमैन है, बहुत सारा मूवीज में वो है पार्टिसिपेट, उन्होंने अच्छा एक्टिंग भी किया है, ठीक है। तो ये उनकी लाइफ का एक बहुत अच्छा चीज हम लोगों को मिला था, मुझे मिला था, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरा तो काम ही है शेयरिंग इज केयरिंग। मैं सोचता हूं कि अगर शेयर नहीं करूंगा अच्छा चीज, तो आई एम वेरी मच ग्रीडी, और मुझे ग्रीडी बनना नहीं है। मैं कोई भी अच्छा चीज मिलता है मैं लोगों से शेयर करता हूं। तो ये सबसे पहले आपको यूनिवर्स, ब्रह्मांड पे आपको विश्वास करना है कि मुझे गोल पाना है। और आपको गोल मैंने सातों स्टेज बताया, उसको डिटेल्स में बताया, उसको आपने अगर नोट कर लिए होंगे तो उसको रिचेक कीजिए आपके साथ, और आपको डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जो अभी आप लोग यूट्यूब में बहुत सारा सेल्फ हेल्प मतलब के लिए, डेवलपमेंट के लिए सेल्फ डेवलपमेंट बहुत सारा गुरुज है, ठीक है। तो आप लोगों ने एक बहुत फेमस चीज मूवीज नाम सुने होंगे, या किताब भी है, द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सुने मूवी भी है इसका, ठीक है। अगर इस मूवी को किसी ने देखा है या किसी ने इस किताब को पढ़े है, तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली बार बार दिया हुआ है कि ये मूवी में एक चीज बताया हुआ है, आपको जो चाहिए वो आपको दिमाग में पहले चाहिए ही चाहिए होना चाहिए। यूनिवर्स को बताना है मुझे ये चाहिए, दैट्स ऑल। आगे स्टेप वाइज आपको ऑटोमेटिक होता जाएगा, लेकिन आपको चाहिए जो है वो आपको यूनिवर्स को बताना पड़ेगा। ये सीक्रेट मूवी 2006 में आया था, उससे पहले 1936-37 में थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की एक किताब है जो मेरे पास है, आप लोगों के पास नहीं है तो आप उसको पढ़ सकते हो, किताब को परचेस करके पढ़ सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया किताब है। एज द मैन थिंकेथ, ये 1905 की एक किताब है। ये सारे किताब में यही चीज की दिया हुआ है प्रोसेस कि यूनिवर्स को कैसे अपना मैसेज पहुंचाना है और यूनिवर्स आपको कैसे अचीव करने में मदद करते हैं। इसके अलावा 1956 में अर्ल नाइटिंगेल करके एक रेडियो प्रेजेंटेशन प्रेजेंटर थे, उन्होंने एक वॉइस मैसेज उन्होंने रेडियो पे डाला था, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, इस यूट्यूब लिंक में आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। उसको अगर सुनेंगे तो उन्होंने भी ये तरीका कुछ बताया जिसको सुन के वर्ल्ड में अभी तक मिलियंस ऑफ पीपल अपने सक्सेस को अचीव कर लिए। जैसे द सीक्रेट वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर चुके हैं, ऐसे इस जो स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट है ऑडियो है, इससे भी बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस कर चुके हैं। ये सारा चीज कुछ नहीं है, ये सारा चीज वही है कि आपके जो चाहना चाहत है वो यूनिवर्स के पास पहुंचाना है। बोलते ना हम लोग एक सुने थे, जो आप शिद्दत से चाहते हैं वो मतलब आपके भगवान भी वो देने पे मजबूर हो जाते हैं। तो सेम चीज है, दिस इज व्हाट, गोल जब सेट कर लिए तो गोल को पाने के लिए यही एक तरीका है। सेट करने की तरीका मैंने बताया, इंपैक्टफुल गोल कैसे सेट करना है। अब गोल कैसे होना चाहिए, बहुत सिंपल, दैट इज स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, क्या चाहते हो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, वो सिंपल सेंसिबल एंड सिग्निफिकेंट, जो चाहते हो उसके आपके डिटेल्स होना चाहिए आपके पास। मेजरेबल मतलब अमाउंट भी अगर है तो अमाउंट क्लियर होना चाहिए, हाउस है तो हाउस के डिटेल्स क्लियर होना चाहिए। अचीवेबल, वो अटेनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अभी एकदम मतलब $1 मिलियन की अभी सोच लेंगे, नो, इस तरह का मत सोचिएगा, वो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप जो सोचेंगे थोड़ा सा अटेनेबल भी होना चाहिए। अटेनेबल मतलब जैसे मान लीजिए वेस्टिज में अगर सिद्धार्थ सर 1.68 करोड़ अचीव कर रहे पा रहे, तो आप भी पा सकते हो, इसका लेवल रख सकते हो, ठीक है। रेलिवेंट भी होना चाहिए, रेलिवेंट मतलब रियलिस्टिक और रिजल्ट बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि वो किसी ने, मैंने सिद्धार्थ सर के एग्जांपल क्यों लिया, सिद्धार्थ सर उसको पा चुके हैं। जैसे प्रवीण सर भी बता 21 कंट्रीज घूम चुके हैं, रिजल्ट बेस्ड है, आप उसको पा सकते हो, ठीक है। रियलिस्टिक है, कोई पा चुका है तो आप भी जरूर पाओगे, ठीक है। और टाइम बाउंड भी होना चाहिए, कितने दिन तक पाना है, ठीक है। टाइम को आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा गोल सेटिंग के, ये भी एक तरीका बोलते हैं स्मार्ट गोल्स, ऐसे, ठीक है। बट ऑल ऑफ दिस वर्क इफ यू कॉन्स्टेंटली कीप इन योर माइंड हाउ, ठीक है, वट टू डू एंड वट यू कैरी इन योर वॉलेट, ठीक है। एक छोटा सा चीज मैं क्वेश्चन एक पूछूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोग वॉलेट खोल के देखिए तो वॉलेट में आप क्या कैरी करते हैं। अगर वॉलेट में आप अगर
बिल्स क्रिएट करते हैं, क्रेडिट कार्ड क्रिएट करते कैरी करते हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज बताऊंगा, आपके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहेगा, मेरा ये बिल पेंडिंग है, इसको पे करना है। क्रेडिट कार्ड होगा तो क्रेडिट कार्ड की वही मतलब जो है ना, वही सब दिमाग में चलता रहेगा। मैं आपको एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज, ठीक है। आप उतना ही पैसा इसमें वॉलेट में रखिए जितनी आपके रोज की जिंदगी के लिए जरूरत है, उससे ज्यादा मत रखिएगा। कोई भी फालतू चीज अगर वॉलेट में है वो सारा फेंक दीजिए, कुछ नहीं जरूरत है आपकी जिंदगी में, कहीं और फाइल में डाल दीजिए, फेंक मत दीजिए, हो सकता है अभी इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड आई विल रिक्वेस्ट, वो क्रेडिट कार्ड आपके वॉलेट में नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं और आपकी हैबिट है क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने का, तो आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वॉलेट में मत रखिए। वॉलेट में आप रखेंगे आपकी गोल्स, और गोल्स कैसे बनाना है, गोल कार्ड कैसे बनाना है, वो सारा चीज मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगर आपके वॉलेट में जो रहेगा ना, वही आपके दिमाग में हमेशा घूमेगा। इसलिए वॉलेट में से आज के बाद वॉलेट में आपके नेसेसिटी की पैसा, कुछ ज्यादा नहीं कि चोरी हो जाएगा तो आपका कष्ट हो जाएगा, इसीलिए आपकी जरूरत की पैसा रहेगा, आपके गोल कार्ड रहेगा, और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर जैसा है किसी को एड्रेस किसी का या कुछ अर्जेंट। लोग क्या करते ना, फालतू के बहुत सारा विजिटिंग कार्ड भर के रख देते हैं अपने, इसमें नहीं रखना है, नहीं रखना है। अगर उस इंडिविजुअल की इतने भी जरूरत है ना, आपके मोबाइल में सबके नंबर है, वॉलेट में नहीं रखिएगा आज से। आज से वॉलेट क्लियर, उसमें होगा आपके गोल्ड कार्ड। गोल्ड कार्ड के सैंपल मैं बताऊंगा कैसे बनना है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया ऑलरेडी आपको ना। अब गोल्ड कार्ड के सैंपल बताने से पहले मैं आपको गोल्ड को थोड़ा सा दो पार्ट में डिवाइड करके दिखाना चाहता हूं। हर इंसान की दो तरह का गोल्स होना चाहिए, एक एस्पिरेशनल गोल, वो लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है, जो आप 3 साल के बाद पाना चाहते हो, 5 साल के बाद पाना चाहते हो, 10 साल, 10 साल इज नॉट एडवाइजेबल, वेस्टेज में बोलते हैं 3 साल अगर दे दिए तो आप जिंदगी आपका बन जाएगा, तो 3 और 5 उससे ज्यादा नहीं, एक लॉन्ग टर्म गोल आपके होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए इमीडिएट लाइफस्टाइल गोल। ये इमीडिएट लाइफस्टाइल गोल क्या है, उस लॉन्ग टर्म गोल को पाने के लिए आपके लाइफस्टाइल में क्या परिवर्तन करना है, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म में होगा, 3, 6, 1 साल बस ऐसे ही, ठीक है। मंथली गोल भी हो सकता है आपका, ठीक है, आपका वीकली गोल भी हो सकता है, डेली गोल भी हो सकता है, इसको बोलते हैं इमीडिएट लाइफस्टाइल गोल। एक दीपक सर की एक प्रोग्राम में हम लोग गए थे जिसमें हम लोग बताया गया था 2 mm चेंज पर डे, 2 mm मतलब आप छोटे से भी परिवर्तन अगर हर दिन करते हैं ना, तो आपके एम्पलीफाई होके आपको मोर देन 200% अपग्रेडेशन कर देते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो आपको डेली गोल में आता है लाइफस्टाइल गोल। जैसे मान लीजिए आपको वेस्टेज में एक अचीवमेंट करना है, अचीवमेंट इन सेंस आपके अकाउंट में हर महीने 5 लाख रुपए आना चाहिए, 5 लाख रुपए हर महीना 3 साल के बाद की आपके टारगेट है, आज से 3 साल के बाद मेरे अकाउंट में हर महीने 5 साल रहे, स्टेडी इनकम रहे 5 साल, मतलब 3 साल के बाद, तो उसके लिए आपके लाइफस्टाइल में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आपको वेस्टेज के क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा, क्या क्या जानकारी की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये वो तो मैंने 7 क्वेश्चन पहले बता दिया, उसमें अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको डिटेल्स आ जाएगा, उस हिसाब से आप इसको लाइफस्टाइल, इमीडिएट लाइफस्टाइल गोल सेट करना है। और उस गोल को सिर्फ सेट करने से नहीं, उस गोल को आप डेली देखना भी है, ठीक है। अगर आप उस गोल को डेली नहीं देखेंगे, ठीक है, तो आपको वो एक्शन लेने के लिए ना धक्का नहीं मिलेगा, ठीक है, धक्का नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी अल्टीम जो एस्पिरेशनल गोल क्या है, वो आपके प्राइज है, वो आपको लास्ट में मिलने वाला है, लेकिन आपको उसके लिए कुछ एक्शन जो होगा ना, इमीडिएट एक्शन होगा, तो आपके गोल्स जो है, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे जो है 5% लेवल पे है, बहुत ही इनिशियल लेवल है, आपको पता है अगर फास्ट स्टार्ट 8% करते हैं तो आपको 2-400 रुपए आपको 400 के आसपास अकाउंट में आता है। तो आप जो नया ज्वाइन किए है वो के गोल रखिए कि नेक्स्ट मंथ में वेस्टेज की जो अर्निंग रहेगा, उस अर्निंग से मैं एक बढ़िया सा डायरी न्यू ईयर के लिए बढ़िया से डायरी लूंगा और एक बढ़िया सा पार्कर पेन लूंगा जो 300-400 रुपए में आ जाएगा, राइट, ठीक है, जो इनिशियल में है। जो थोड़ा सा बड़ा लेवल पे है वो सोचिए कि मेरे वेस्टेज प्लान दिखाने के लिए एक बढ़िया से मुझे एक लेदर की बैग चाहिए जिसमें मेरा सामान रखने के लिए, मतलब जो भी अपना प्रेजेंटेशन रखने के लिए बुक्स होगा, कुछ प्रोडक्ट इस तरह का, मैं अगली बार वेस्टेज की जो इनकम है वहां से लूंगा। आपको जो है ना, मैं वेस्टेज की इनकम से गोल सेट कर दीजिए। जैसे अभी दिसंबर महीना हो गया, दिसंबर जैसे अगली बार जनवरी आएगा तो जनवरी की 1 तारीख को या 2 तारीख को आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए 30 जनवरी तक मेरा, मतलब जो भी बिजनेस होगा उससे जो इनकम मुझे आएगा, फरवरी में मैं एक नया चीज लेना चाहता हूँ। जैसे अभी दिसंबर की इनकम से आप क्या ले सकते हो,
अगले साल के लिए नया, जैसे इनिशियल स्टेज में जो है एक बढ़िया सा डायरी और एक बढ़िया सा पेन ले सकते हैं, कोई हार्ड मतलब बहुत मुश्किल वाला चीज नहीं है, ठीक है। ये हो गया अगर इमीडिएट लाइफस्टाइल गोल, ठीक है। अगर थोड़ा सा ज्यादा इनकम है तो एक बढ़िया सा लेदर बैग ले सकते हैं जिसमें वो डायरी पेन और साथ में आपका कुछ ब्राउशर मैनुअल्स और आपका कुछ प्रोडक्ट्स रहेगा, किसी के पास प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो अब तक स्मार्ट लुक आएगा, हो सकता है। कोई मुश्किल है क्या, किसी को लग रहा है मुश्किल? आई होप नॉट, ठीक है। तो ये हो गया कि इमीडिएट लाइफस्टाइल गोल, ठीक है। एक और चीज मैं बता रहा हूं, एक बहुत ही इमीडिएट लाइफस्टाइल गोल में अगर ऐड करेंगे तो बहुत इंपैक्ट क्रिएट करेगा। जैसे मान लीजिए आप कुछ अगर आपके गोल सेट किया हुआ है कि मुझे फोर व्हीलर एक बढ़िया सा बीएमडब्ल्यू लेना है या ऑडी लेना है या मर्सिडीज लेना है, कुछ भी लेना है 3 साल या 5 साल के बाद, किसी की गोल है। तो आप मान लीजिए अभी आपके पास एक बाइक है, हो सकता है किसी के पास बाइक नहीं है, साइकिल है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसके कीरिंग में ना वो वाला लगा दीजिएगा, मर्सिडीज की देखिएगा आजकल मार्केट में मिलता है बहुत बढ़िया, ऑडी फिर बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज इस तरह का कीरिंग बना रहता है, वो लगा दीजिएगा। तो आपको क्या होगा ना, जब भी आप उस बाइक में ड्राइव करेंगे आपके आंखों के सामने दिखेगा, वो आपको चेस करने में मदद करेगा, ठीक है। तो लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन, आज से आप लोग एक चीज को प्रॉमिस कर लीजिए कि वेस्टिज की इनकम से मैं लाइफस्टाइल में अपग्रेड करूंगा, कुछ भी अपग्रेडेशन। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया, ठीक है। अगर किसी को मान लीजिए ऐसा है, किसी के घर में अगर कोई बच्चों की एडुकेशन की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए आप इस साल में आपके बच्चे कहीं पे भी किसी भी स्कूल में पढ़ रहा है, अगर आप चाहते हो उससे थोड़ा सा बेटर स्कूल में डालना, तो आप इसको गोल सेट कर लीजिए कि जो वेस्टेज की इनकम है आगे मैं मैंने बच्चे की एडुकेशन के लिए मैं उस पर खर्चा करूंगा और मैं उसको बेटर स्कूल में डालूंगा। अभी मान लीजिए आपके बच्चों की ट्यूशन फीस जो है 2-3 हजार ही मान लीजिए, या 2 हजार है या 3 हजार है, मतलब स्कूल की फीस, ठीक है। तो आप वेस्टेज की इनकम आप सोचिए, मान लीजिए आपके बच्चा कोई स्कूल में पढ़ रहा है जो अगला स्कूल जो बेटर स्कूल है उसमें 5 हजार है महीने का, तो ये दिमाग में डाल दीजिए कि बच्चों को उसी वाला स्कूल में डालूंगा और जो 2 हजार एक्स्ट्रा है ना वो वेस्टेज से आएगा, समझ रहे। लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपके बच्चे अगर बेटर स्कूल में जाएगा तो लाइफस्टाइल चेंज होगा ना। अगर फैमिली में कोई छोटा सा मतलब किसी को कुछ इश्यूज है, उसको ओवरकम करना है, उस ओवरकम को इमीडिएट लाइफस्टाइल गोल में डालिएगा। बड़ा गोल तो आपने सेट कर लिया, 3 इयर्स 5 इयर्स का गोल तो सेट कर लिया, लेकिन आपके छोटे 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 गोल्स होना चाहिए। एक और चीज बता रहा हूं जो वेस्टेज के साथ बहुत रेजोनेंट होता है, मतलब बहुत मिलता जुलता है, पीवी। इस महीने की जो पीवी है वो पिछले महीने से ज्यादा होना चाहिए, ये भी आप गोल सेट कर सकते हैं, आपकी टोटल पीवी, ग्रुप पीवी, ठीक है। उससे भी अगर थोड़ा सा और माइक्रो कर देंगे तो इस हफ्ते की जो पीवी है इससे अगले हफ्ते की पीवी ज्यादा होना चाहिए, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इमीडिएट लाइफस्टाइल गोल है, तो ये लाइफस्टाइल में नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ लाइफस्टाइल में वही आता है कि आपके लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट होना चाहिए। हर महीने आप वेस्टेज की इनकम से कुछ ऐसा चीज आपके पास खरीदना चाहिए, आप कुछ ना कुछ ऐसा अचीव करना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए जिससे लगे कि हाँ आपके लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जिसके पास साइकिल है वो सोचिए कि मैं साइकिल की छोड़ के मैं बाइक लेना चाहता हूँ, उसकी ईएमआई में वेस्टेज के पैसे से दूंगा। जिसके पास बाइक है वो सोचिए फोर व्हीलर लूंगा, उसकी ईएमआई में वेस्टेज के पैसे से दूंगा, ठीक है। इस तरह का सोचिए, इसको मतलब स्प्लिट में कर लीजिए, 3 महीना 6 महीना 12 महीना, और 3 महीने का गोल अगर सेट किए तो 3 महीने के बाद उसको एनालिसिस कीजिए। मैंने जो फास्ट ये जो सारा स्टेज मैंने बताया 7 स्टेज, उससे एनालिसिस कीजिए कहां पे आपको चूक हो गया। अगर मान लीजिए किसी कारण से नहीं हो पाया, 100% हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर यूनिवर्स पे विश्वास करते हैं और उनको अगर बता चुके हैं आपके गोल, तब तो अचीव कर ही लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर भी चूक हो जाता है तो 7 क्वेश्चन में उसको डाल दीजिए, भाई कहां पे चूक हुआ, कैसे चूक हुआ, क्या छूट गया था 3 महीने में। वेरी इजी, कोई मुश्किल तो नहीं बता रहा हूं ना, बहुत इजी बता रहा हूं, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। आप जो गोल की जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो इस तरह का होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया एक चेक, मैंने एग्जांपल दिया जिम कैरी का। एस्पिरेशनल गोल अगर आपका पैसे का है, पैसे का अगर एस्पिरेशनल गोल है, तो आप एक चेकबुक से चेकबुक निकालिए, उसमें से एक चेक फाड़िए, उसमें आपका नाम डालिए, डेट डाल दीजिए आज से 3 साल बाद की, और जो अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए वो अमाउंट डालिए, नीचे साइन कर दीजिए, उसको वॉलेट में डाल दीजिए, एस्पिरेशनल गोल। अगर आपका कोई कार या कोई हाउस का है, तो उसी हाउस या उस कार का कोई फोटो वगैरह कहीं से अगर मिल जाए तो उसको लीजिए, उसमें डेट डाल दीजिए, डेट डाल के साइन कीजिए, आपके जेब में डाल दीजिए, और साथ में उसका बड़ा सा एक वर्जन बना के दीवार पर चिपका दीजिए, जहां पे आप हमेशा आपको दिखता रहे, ठीक है। और चेक का भी एक बड़ा सा फोटो कॉपी बना के दीवार पर चिपका देंगे, बहुत बढ़िया काम करेगा।
उससे भी बढ़िया आइडिया है कि मोबाइल जो आप हमेशा देखते रहते हो, मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट लेके उसको मतलब ऊपर में डाल दीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको, वॉलपेपर में डाल दीजिएगा, आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये आपके एस्पिरेशनल गोल में आ गया। आप आते हैं इमीडिएट गोल, उसमें गोल कार्ड, ठीक है। गोल कार्ड में क्या होगा ना, आप लिखेंगे जो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, एज इफ वो आपको मिल चुका है, इस तरह से लिखेंगे, जैसे आई मेक डैश अमाउंट, जो भी अमाउंट होगा पर मंथ कंसिस्टेंटली, आपको जो पैसे हर महीने मिलने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर बच्चे की स्कूल को अपग्रेड कराना चाहते हैं, जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उससे बेटर स्कूल में डालना चाहते हैं, तो उसमें आपको ₹2000 एक्स्ट्रा चाहिए, 3000 अभी दे रहे हैं तो 5000 चाहिए, अगर कोई 1000 दे रहे तो 3000 चाहिए तो 2000 एक्स्ट्रा चाहिए, या 1000 से 5000 में जाएंगे तो 4000 एक्स्ट्रा चाहिए, वो लिखना है। आई मेक 2000 पर मंथ कंसिस्टेंटली बाय कौन से काम करके, बाय वेस्टेज बिजनेस एंड हेल्पिंग, कितने लोगों को आप वेस्टेज के साथ जुड़ने में मदद किए हैं, ठीक है, बाय हेल्पिंग, किसको, जो लोग को वेस्टेज की जरूरत है उनको हेल्प करके, ठीक है। व्हाइल लिविंग अ डिस्क्राइब योर लाइफ, व्हाइल लिविंग मतलब आप कैसे जिंदगी बिता रहे हो, ठीक है। दिस इज माय रियलिटी ऑन डेट, जो डेट होगा 3 महीने या 6 महीने, ठीक है। इसकी एक और पिक्चर मैं आगे दूंगा, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा किस तरह से इमीडिएट गोल कार्ड, इमीडिएट लाइफस्टाइल के जो गोल कार्ड होगा कैसे होगा। ये आपके ऐसा नहीं कि एक बार बना दिया 6 महीने के बाद भूल गया उसको, नहीं, अगर 3 महीने का है तो 3-3 महीने पे वो चेंज होना चाहिए। 3 महीने में आपका अपग्रेडेशन हो गया, 3 महीने में फिर नया गोल कार्ड आ जाएगा आपके पास, राइट। गोल कार्ड बनाने के, देखिए ये जो फोटो है ना, हमारे वेस्टेज की जो किताब है ना उसके ऊपर भी इस तरह का एक फोटो है ना, तो उसको ऐसे बना दीजिएगा, माय ड्रीम लाइफ गोल कार्ड एक तरफ प्रिंट कर लीजिएगा, और दूसरी तरफ माय गोल बाय, जो मैंने लाइन बताया वो सारा चीज पर लिख दीजिएगा, ठीक है, जो आपके गोल होगा, हो गया, ठीक है। अब मैं आज के आपको, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आज के आपको जो काम बता रहा हूं इसको आप कर लीजिएगा तो आपके काफी परिवर्तन आ जाएगा आज की जिंदगी में, आज से आपकी जिंदगी में। चेकबुक में डालना पहला काम, गोल्ड कार्ड दूसरा काम, वो आपके हैंड रिटन करके उसको लैमिनेट करके पार्ट्स में डाल दीजिए, वो जो वॉलेट है ना वॉलेट में फालतू चीज हटा दीजिए, गोल्ड कार्ड रहेगा और लिखा हुआ चेक रहेगा, आपको ना ढूंढते हुए आपके जो टारगेट गोल जो है ना वो आपको आपके पास आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे पास आ जाएगा, ठीक है ना। और एक जो स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट जो मैंने बताया था वो जो ऑडियो है, ठीक है, उसको भी सुनिएगा सुबह उठने के बाद, सुबह उठिएगा और उठने के बाद उसको देखिएगा, और सुबह जो एक्सरसाइज होता है ना, ये जो अभी हमारे ग्रॉस ट्रीम विक्ट्री में जो 6:30 वाला, ठीक है, उसको डेली करने की कोशिश कीजिए, हैबिट डाल दीजिए, सुबह एक्सरसाइज भी कीजिए, ठीक है। और जितने लोग इसको कर लेंगे ना वो ग्रुप में डाल दीजिएगा, आई कैरी माई गोल्स, तो आपको गोल अचीव होने में बहुत अच्छा मदद मिल जाएगा, ठीक है। कुछ फाइनल वर्ड्स आपको, व्हाई आर यू बॉर्न इफ यू आर नॉट डूइंग ग्रेट थिंग्स, इफ यू आर नॉट टू डू ग्रेट थिंग्स, आपको ये क्वेश्चन आपके अंदर होना चाहिए, अगर कुछ अच्छा ही नहीं कर सकते तो इस धरती में पैदा क्यों हुए थे, अगर किसी को मदद ही नहीं कर सकते कुछ अच्छा काम करने में तो आप किस लिए इस धरती में आए थे, आपसे पूछिए तो आपकी बहुत सारा एनालिसिस आ जाएगा, गोल सारा चीज आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। देयर इज नथिंग इन द यूनिवर्स मोर मिस्टीरियस एंड पावरफुल देन ह्यूमन माइंड, आपके दिमाग जो है ना सबसे पावरफुल जगह है, ठीक है, वहीं पे सारा ब्रह्मांड की शक्ति है, उसको थोड़ा सा आज से हिलाना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ रिजल्ट आएगा, मैं बता रहा हूं। मैं अभी तक जो भी आपको चीज बताया, सातों स्टेप, सारा गोल्ड कार्ड, हर चीज, इसको थोड़ा सा अगर एनालिसिस करेंगे ना तो आपके दिमाग में कुछ आज हलचल मचेगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत शिद्दत से इस चीज को सोच के हमने बताया, इसको बनाया सो दैट आपको बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत मतलब दूसरे टाइप की एलैबोरेटेड सेशन हो गया, बहुत ज्यादा डिटेल्स इसमें, डेप्थ वाला सेशन हो गया, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सही में ऑल आर लीडर्स, आप लोग इतने देर से इसको सुन रहे थे, थैंक यू प्रवीण सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। वेलकम। एक बहुत बढ़िया चीज मैं सोचा आपसे शेयर करूं, योर रूट्स डिटरमाइंस योर फ्रूट्स, ठीक है, एंड योर सॉइल रेगुलेट्स योर रूट, जिसको सोचिएगा, योर सॉइल रेगुलेट्स योर रूट्स एंड योर रूट डिटरमाइन योर फ्रूट्स। आप दिमाग में जो भी इम्प्लांट करेंगे ना, जो भी इम्प्लांट करेंगे वही जैसा आपको फल मिलेगा, ठीक है।
अगर सारा चीज अच्छा डालेंगे दिमाग में तो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है, लेकिन उससे उसके लिए दिमाग को भी फर्टाइल करना पड़ेगा, और दिमाग को फर्टाइल करने के लिए ही ये सारा चीज है जो ग्रॉस टीम डायरेक्टर के 8:30 बजे की मीटिंग और सुबह 6:30 बजे की जो सेशन, ठीक है। अभी ऑफिस चालू हो गया, मुझे पता है बहुत लोगों के कोई इश्यूज आ सकता है, स्कूल वाल सब खुल गया, अभी धीरे बहुत सारा इश्यूज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको इशू नहीं है वो जो जुड़िए, आपको बहुत चीज मिलेगा वहां पे, वो बहुत ज्यादा वहां पे मिलेगा, बहुत बढ़िया चीज है वहां पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट वर्ड जो मैं हर सेशन में कोशिश करता हूँ कवर करने के, वो ये है कि अगर आप गरीब घर में पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब होकर मरते हैं तो 100% आपकी गलती है। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पुअर लाइफ। दुनिया की कोई लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो मैंने आज गोल सेटिंग के लिए बता दिया, मैं इतना गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर उसको मेरिट मतलब डेडिकेटली फॉलो करेंगे तो 100% यू विल सक्सीड, 100% वो गोल आपके पास आ जाएगा। आपको नहीं पता रहेगा कि कैसे आ गया, लेकिन आ जाएगा। इज प्रूवन। मैं नौकरी करते करते डायमंड डायरेक्टर लेवल अचीव किया था सिर्फ यही स्टेप फॉलो करके जो आपको मैंने अभी बताया, ठीक है। और कोरोना के पीरियड में ही, जब पूरे इंडिया में लॉकडाउन था, पूरा वर्ल्ड में लॉकडाउन था, उस टाइम हमने स्टार अचीव किया, उसी टाइम हमने डायमंड भी अचीव किया, ठीक है। तो इस चीज को प्रूवन है, टेस्टेड है, गुजरे है, उनको भी इस चीज की जानकारी है, सिद्धार्थ सर भी इसी स्टेप से गुजरे है, और सारे सक्सेसफुल लोग गोल को सेट करके इसी स्टेप को एनालिसिस करते हैं, गोल सिर्फ सेट नहीं करते, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के लिए मैंने सारा चीज बता दिया। थैंक यू वेरी मच।